आंवला नवमी पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। हनुमान जी का हुआ मनमोहक श्रृंगार, लगा 56 भोग, हजारों श्रद्धालुओं ने की महाप्रसादी ग्रहण। टांडा धार सामाजिक समरसता समिति के द्वारा आंवला नवमी के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन खेड़ापति हनुमान मंदिर पर धूमधाम से किया गया। अन्नकूट महोत्सव को लेकर मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया, हनुमान जी का मनमोहक श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम खेड़ापति हनुमान मंदिर से एक विशाल कलश यात्रा के रूप में प्रारंभ हुआ, जो नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ शाम 5 बजे खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां हनुमान जी की महाआरती की गई। ग्राम के समस्त समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा अलग अलग आरती की थाल लेकर आरती उतारी गई। तत्पश्चात हनुमान जी को 56 भोग लगाया गया एवं प्रसादी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में नगर के सफाई कर्मियों को नगर के समस्त समाज बंधुओं के द्वारा सम्मानित किया गया। पंडाल में महापुरुषों के चित्र लगाकर सजाया गया, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं भंडारे में नगर सहित आसपास के हजारों श्रद्धालुओं ने अन्नकूट की महाप्रसादी ग्रहण की। परिसर में महिलाओं एवं पुरुषों के बैठने के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। वहीं सरस्वती कला मंच द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर गंगाकुई धाम के महंत सूरजपुरी जी महाराज जी पधारे। प्रत्येक वर्ष अन्नकूट का आयोजन सामाजिक समरसता समिति के द्वारा भव्य रूप से किया जाता है। टांडा से पप्पू शर्मा की खास रिपोर्ट।